हेलो दोस्तों, मैं गुलाम मास्टर बोल रहा हूँ बॉम्बे से। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर टेलरिंग एंड कटिंग के बारे में। तो जो भी आप कुछ सीखना चाहें तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं मुझे। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं गुलाम मास्टर बोल रहा हूँ बॉम्बे से। तो मैंने 1972 में बोर्ड ऑफ टेलरिंग एग्ज़ाम्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट से डिप्लोमा किया है। तो तकरीबन जब से मैं यही काम कर रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर काम किया मैंने, एज ए मैनेजर, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, एज ए कटर मास्टर, एज ए सुपरवाइज़र। तो शुरू शुरू में जो है तो वो आप डायरेक्ट कटर मास्टर नहीं बन जाते, तो आपको पहले कारीगर और उसके बाद कटर मास्टर। फ़िलहाल मैं एज ए पैटर्न मास्टर काम कर रहा हूँ। तो आप जो कुछ भी सीखना चाहें तो यू आर वेलकम। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि बेसिक स्टिचेस क्या होती है, जो कि ये एकदम बेसिक है। मिसाल के तौर पर जिस आदमी को सुई पकड़ना भी नहीं मालूम है तो हम उसको सिखाएंगे। 2 महीने में अगर आप लगन से सीखेंगे तो सीख सकते हैं। तो ये देखिए, ये 7 नंबर की सुई है, ये पोनी नीडल। ये देखिए, इस पे 7 नंबर लिखा हुआ है। ये 7 नंबर जेंट्स काम में, जो जेंट्स काम करते हैं उनके लिए ये 7 नंबर है, और लेडीज़ काम जो करते हैं उनके लिए 10 नंबर की सुई यूज़ होती है। तो सबसे पहले आप जो है इसको ये ऐसे इस तरीके से कच्चा टाँका लीजिए। कच्चा टाँका 2 कपड़ों को जोड़ने के लिए होता है। ये देखिए सुई किस तरीके से पकड़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये और ये थिम्बल है, इसके बगैर आप एक टांका भी नहीं निकाल सकते। और ये सुई को पकड़ने का तरीका ये है। देखिए ये सुई है, ये बीच की उंगली में, ये मेरा सीधा हाथ है राइट हैंड साइड में। तो ये देखिए, ये थिम्बल है, ये पहनना बहुत ज़रूरी है। और ये जो उंगली है बीच की, ये एज ए सेंसर काम करती है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको जो है इस तरीके से पकड़ा जाता है कपड़ा, और ये बीच की उंगली के ऊपर से टांका निकलता है। ये देखिए इस तरीके से, और ये इसको जो है हम अपने कान की तरफ ऐसे खींचेंगे। तो देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये जो है आपको टांका निकलेगा। इसको सीधा टांका बोलते हैं। 2 कपड़ों को जोड़ने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आपको इसमें साइड में सिलाई लगानी है तो पहले आप ये कच्चा कर लीजिए, फिर बाद में आप इसको पकड़ के सिलाई कर लीजिए। तो ये हो गया कच्चा टाँका, ये एक पहली किस्म है। अब हम आपको तुरपाई सिखाते हैं, जिसे सादा अल्फाज में हेमिंग भी कहते हैं। ये आप ये देखिए, इस तरीके से गांठ मार लीजिए। ये हमारे सीधे हाथ में नाखून जो लगा हुआ है, ये एज ए आयरन काम करता है। ये देखिए, हम आपको हेमिंग किस तरीके से करना है वो सिखाएंगे। ये देखिए, ये जो है, ये देखिए इस तरीके से टांका निकाल के आप इसे पक्का कर लीजिए।
ये देखिए बीच की, ये जो बीच की उंगली है इसके ऊपर से ये टांका निकलता है, ये देखिए आप ये दो दो जो है आप देख रहे होंगे, इसमें दो तार पकड़ के इसको कपड़े से ऐसे सीध लीजिए। ये देखिए हेमिंग का मतलब क्या है, और ये पीछे की तरफ एकदम सीधे टांके आना चाहिए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें तो प्रैक्टिस होती है, हम तो ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं और ये बहुत स्पीड में होता है। ये देखिए ये दो टांका पकड़ के इसको ये सुई से ऐसे निकालते हैं, ये बीच की उंगली के ऊपर से टांका उठता है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे उठ। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए टांका उठाने की। ये देखिए इसको हेमिंग करते हैं, हेमिंग कहते हैं इसको, जो आम अल्फाज में इसको तुपाई बोला जाता है। अच्छा, हेमिंग में ये एक ही तरीका हो गया, अब हम दूसरे तरीके से आपको बताते हैं। मतलब अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो दूर दूर टांका लगा के उसको फंदे वाला टांका लेकर के ये इसको लेकर के ऐसे निकालिए और ये इसमें एक फंदा दे दीजिए। ये देखिए ऐसे, तो ये आप दूर दूर करके भी ये एक इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस टांके में और इस टांके में आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसको ये देखिए इस तरीके से टांका उठाइए और ये जो सुई का धागा है इसके ऊपर घुमा के इसको ऐसे फंदा कर लीजिए। ये देखिए ये टांके जो है दूर दूर लगते हैं, ये नज़दीक होता है। तो आज आपने सीखा कच्चे टांके और ये तुरपाई, और ये तुरपाई में दो किस्म होती है, ये एक सादी तुरपाई है और एक ये फंदे वाली तुरपाई है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। और हमारी प्राइवेट क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, तो जो लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहें वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसकी फ़ीस बहुत कम ही रखी जाएगी और हम आपको गिव अवे भी करेंगे। तो जो सबसे पहले 500 लोग इसमें आप सब्सक्राइब और कमेंट्स करेंगे और इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे तो उनके लिए गिव अवे है। तो हम उनमें से 5 लोगों को चुनकर 1 महीने के लिए हम उनको फ्री में सिखाएंगे, बिल्कुल अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लेंगे, हम उनको फ्री में सिखाएंगे। तो आप लोग, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा, जो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और दूसरी एक बात क्या है, कोरोना की वजह से बहुत से लोगों की कोई नौकरी छूट गई है, काम धंधा नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो हमारी सोसाइटी में सब जो है एक जैसे नहीं होते। तो अगर कोई सोसाइटी में विडो है, जैसे बेवा है, ऑर्फेंज है, मतलब जो यतीम लोग हैं, तो अगर वो लोग सीखना चाहें तो हम उनके लिए फ्री में 1 महीने का कोर्स देंगे, उनको हम सिखाएंगे, उनसे एक पैसा भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। या अगर आप लोग देखें आपके मोहल्ले में या कोई और इंटरेस्टेड हो, आप नहीं सीखना चाहें कोई बात नहीं, तो दूसरे और लोगों को आप बता सकते हैं कि फला फला जगह पे ये कोर्स फ्री में है, आप सीख सकते हैं। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। तो आपके जो भी कमेंट्स आएंगे हम उनका ज़रूर जवाब देंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कमेंट्स में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नंबर, और जो इंक्वायरीज़ के लिए कॉल्स वगैरह करना है तो उसका सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नंबर, और स्क्रीन में भी यहाँ पर चल रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच आपका ये चैनल देखने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत, ओके बाय।